अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुमान इकबाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि भाई अपना स्टॉप लॉस सेट कर लें, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर लें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लें। ये स्टॉप लॉस क्या है और ये कितना जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो उसके ऑल्टरनेटिव आप क्या कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आप लोग अगर वेल एक्सपीरियंस है तो ही आप लोगों ने ट्राई करना है, अदरवाइज आप लोगों ने एसएल जरूर लगाना है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम एसएल लगाते हैं और मार्केट वहां से रिवर्स हो जाती है तो इसका क्या हल है, इसके ऊपर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आप एसएल की जगह क्या चीज इस्तेमाल करके वहां पर वक्ती तौर पे अपने एसएल से बच सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप लोग मुझे Facebook पे या TikTok पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहता हूँ। अब सबसे पहले तो हम लोग स्टॉप लॉस यानी कि एसएल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितना जरूरी है। देखिए, इसको समझने के लिए आप ये चीज समझ सकते हैं कि भाई जैसे ही हम किसी भी बिजनेस में आते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना होता है। अगर आप लोग उस बिजनेस के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली आप लोग एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। इसी तरह अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है तो अगर आप लोग एसएल और टीपी को फॉलो नहीं करते तो आप लोग कभी भी एक अच्छे और प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते, और उल्टा आप लोग वहां से अपना लॉस करवा लेंगे। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि भाई अपना एसएल तो हम लगाते हैं लेकिन मार्केट वहां से रिवर्स हो जाती है और हमारा एसएल हंट होता है और दोबारा से मार्केट जो है वो रिकवरी कर लेती है। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि वो कितने टाइम ऐसे करती है या कितने टाइम आप लोगों का एसएल हिट होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ चला जाती है? और आप लोगों ने कभी ये परसेंटेज निकाली है कि कितनी बार आपका अकाउंट वॉश होने से बचाता है आपका ये एसएल? इसको और इजीली समझने के लिए मैं आपको यहां पर ये बताता चलूं कि देखिए, आप लोग एक दिन के अंदर लेट्स सपोज 5 ट्रेड्स करते हैं और उनमें से आपके 2 एसएल हिट हो गए और आपके 3 टीपीज हिट हो गए। दैट मीन कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड सही जा रहा है अगर आपने मनी मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेड्स की हुई हैं। लेकिन एक वर्स्ट सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप लोगों के 5 के 5 एसएल हिट हो गए और आप लोग इस टेंशन में है कि भाई अगर मैंने एसएल ना लगाए होते तो ट्रेड्स इस वक्त चल रही होती। और ये सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हमारी ये थिंकिंग या ये हमारी सोच है कि हमने एसएल क्यों लगाया, क्योंकि कोई भी एक अच्छा जो ट्रेडर होता है वो कभी भी एसएल और टीपी के बगैर ट्रेड नहीं करता। अभी जो मैंने 5 ट्रेड्स का आप लोगों को बताया है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आपने अपना जो एसएल है वो $5 पे लगाया, लाइक 5 पिप के ऊपर लगाया, या आपने अपनी अकाउंट इक्विटी के हिसाब से लगाया। अब एक आपका एसएल जो है वो $5 दे के अगर हिट हो जाता है, उसके बरक्स अगर मार्केट और नीचे चला जाती है या ऊपर चला जाती है, आपके अगेंस्ट चला जाती है, जहां पर आप लोगों ने वो $5 दे के अपना एसएल हिट करवाया है वहीं पर आपका पूरे का पूरा अकाउंट भी वॉश हो सकता था। लेट्स सपोज अगर आप लोगों के पास $100 का अकाउंट है, $1,000 का अकाउंट है या $1,00,000 का अकाउंट है, ऑब्वियसली आप लोगों ने उस हिसाब से ही अपना जो है वो एसएल सेट किया होगा। और अगर आपकी पूरी इक्विटी से मान भी लेते हैं कि 5 की 5 ट्रेड जो है वो एसएल ने हिट कर दी है और आपका 25% जो है वो लॉस हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके पास 75% भाई आपका कैपिटल बचा हुआ है जिससे आप लोग अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं और अच्छी ट्रेड्स का वेट कर सकते हैं। इसके बरक्स आप लोग ये देखें कि अगर आपने वो 5 ट्रेड्स की हैं या एक ही ट्रेड की है और आपने एसएल सेट नहीं किया और मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाती है तो भाई मेरे आपके पूरे का पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा, वो भले ही $100 का है, वो भले ही $1,00,000 का है। तो इन चीजों के ऊपर भी आप लोग फोकस किया करें, क्योंकि अगर आप लोगों को वहां पर लॉस होता है तो वहां पर आप लोगों का कैपिटल भी बचता है और आपका एक अगर एसएल हिट हो भी जाता है तो कम अज कम आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं, बजाय इसके कि इसकी और टेंशन ले, आपका अकाउंट जो है वो और फ्लोटिंग में जाए, आपकी स्क्रीन के ऊपर लॉसेस चलते रहें और आप एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फेड अप होके उन ट्रेड्स को बहुत ज्यादा जो लॉसेस के अंदर ही क्लोज कर देते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर 100% कोई लोग ट्रेड करते हैं
उनमें से जो 80% जो लोग हैं वो अपना एसल सिर्फ इसलिए नहीं लगाते कि मार्केट ने रिकवर कर लेना है। अब वो मार्केट रिकवर कितने परसेंट करती है? ओनली 10%। 90% जो मार्केट है वो लोग बाद उनके पूरे के पूरे अकाउंट को वॉश कर देती है, और ओनली 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपना अकाउंट बचा लेते हैं। अब उनमें से वो 10% कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ वो होते हैं जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है और उन्होंने प्रॉपर तौर पे मनी मैनेजमेंट के साथ अपनी लॉट साइज रखी होती है। मींस कि उनका अकाउंट बड़ा होता है लेकिन उन्होंने लॉट साइज छोटी लगाई होती है, और मार्केट अगर रिकवर करती है तो उनका वो एसएल बच जाता है और दोबारा से वो प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रिकवर नहीं करती, ये हमारी खाम ख्याली होती है, ये हमारा अपना जहन होता है कि भाई मार्केट वापस आएगी। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो इसी सूरत हाल से दो चार होके अपना एसएल नहीं लगाते और अपना अकाउंट जो है वो वॉश करवा लेते हैं। इन दी एंड आप लोग मेरे भाई अपनी एक हैबिट बना ले, आदत बना ले कि एसएल आप लोगों ने जरूर लगाना है। एसएल अगर आप लोगों का हिट होता है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि वो आप लोगों को एक बड़े लॉस से बचाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एसएल की सारी जो मैंने आप लोगों के साथ एक चीज शेयर की कि भाई आप लोग इस तरह एसएल अगर नहीं लगाते तो आप लोग कितने बड़े लॉस में जा सकते हैं या आप लोगों को कितना प्रॉब्लम हो सकता है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि भाई इसके अंदर अगर आप लोगों ने एसएल नहीं लगाना तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने एसएल नहीं लगाना तो आप एसएल की जगह अकाउंट की ट्रेड को हैज कर सकते हैं। अब ये हैजिंग क्या है, इसके ऊपर मैं पूरी एक मुकम्मल डिटेल वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, वो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को पहले से हैजिंग का पता है तो आप लोग एसएल की जगह अपनी ट्रेड को हैज कर सकते हैं, ट्रेड को लॉक कर सकते हैं। और हैजिंग आपको मैं बताता चलूँ कि कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। मतलब ये हैजिंग करने को तो ऐसे ही जैसे आपने एसएल लगाया है वैसे ही आप लोगों ने हैज कर देना है। हैजिंग का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने लेट्स सपोज गोल्ड है वो 1950 के ऊपर है और आप लोगों ने उसको बाय किया है, अब वो आप लोगों के सेल में चला गया, आपकी अकाउंट फ्लोटिंग में चली गई, आपकी ट्रेड लॉस में चल रही है, तो आप क्या करेंगे? आपने 1950 से बाय किया था लेकिन वो इस वक्त 1945 पे आ गई है और आप लोगों ने उसका एसएल सेट नहीं किया, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग 1945 से उसको सेल में लगा देंगे। अब एक ट्रेड आपकी सेल में लग गई है और एक ट्रेड आपकी बाय में लग गई है, दैट मीन के 5 पिप का जो आपका अकाउंट जो है वो 5 पिप के अंदर हैज हो जाएगा। अब उसके ऊपर आपका $5 लॉस जा रहा है, $10 जा रहा है या $20 जा रहा है, अब वो जो ट्रेड है वहीं पर हैज हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको ये यकीन है कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है तो आप लोग जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो उस हैज को ओपन कर सकते हैं, जो आपकी सेल वाली ट्रेड है आप लोग उसको क्लोज कर सकते हैं और बाद में प्रॉफिट वाली ट्रेड के साथ चल सकते हैं। लेकिन ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि हैजिंग करना बहुत ही प्रोफेशनल लोगों का काम होता है। अब आपने एक हैज ट्रेड तो हैज कर ली है लाइक 1945 से, अब जाहिर सी बात है जब वो 1950-1955 पे जाएगी तो वो 1945 वाली जो आपकी सेल वाली ट्रेड है वो भी आपको लॉस देगी। ये तब भी काम करता है जब भाई आपको पता है, आपको अपने आप पर यकीन है कि 1945 से मार्केट 1950-55-60 पर जाएगी, और जैसे ही वो ट्रेड 1950 तक जाती है आप लोग अपनी एसएल की ट्रेड को कट कर देते हैं और उसके बाद अपने जो आप लोगों ने एनालिसिस किए होते हैं उसके ऊपर ही आप लोग पक्के होते हैं कि भाई अब मार्केट जो है वो गोल्ड की है या कोई भी करेंसी पेयर या BTC कुछ भी है वो अब ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं अपना ऊपर की तरफ प्रॉफिट भी बनाऊंगा और जो वो मैंने इस वक्त जो अपनी लॉस के अंदर ट्रेड क्लोज की है उसको भी रिकवर करूंगा। तो कुछ इस तरह की हैजिंग होती है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बकायदा हैजिंग करके भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को और इजीली पता चल जाए। तो इस वीडियो में उम्मीद है कि आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि एसएल लगाना कितना जरूरी है, और अगर एसएल नहीं लगाना तो आप लोग हैज करके वक्ती तौर पे अपने लॉस को और अपने अकाउंट को वॉश होने से रोक सकते हैं, ये आप इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई आप लोग जब भी ट्रेडिंग के अंदर आए या आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है तो आप लोगों ने अपना एसएल जरूर सेट करना है, क्योंकि थोड़े से पैसा दे के $5-10 दे के एसएल हिट करवाना अच्छा है बजाय इसके कि आप लोग अपने पूरे का पूरा अकाउंट वॉश करवा लो और मार्केट से एग्जिट हो जाओ। तो इन चीजों से आप लोगों ने बचना है और एसएल का और टीपी का लाजमी यूज करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।